हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। एक सिंपल से एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने लैपटॉप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, उस एप्लीकेशन का नाम है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। वो आप गूगल प्ले के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर दो फॉर्मेट दिए हुए हैं, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, एक वीडियोज रिकॉर्डिंग, एक दिया हुआ है स्क्रीनशॉट। दो फॉर्मेट के अंदर हमें आप डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिक एक दो फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमने इसको ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट में हमारा इसका जो फ्रंट लुक है वो आपको शो कर रहा है। यहाँ पे कस्टम एरिया, आपको किस एरिया को, जो भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है उस एरिया वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। इस ऐसे इस तरीके से ड्रैग करके इसको आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। जिस एरिया को आपका जो स्क्रीन है, जिस एरिया का उसको रिकॉर्ड करना है, उस तरीके से आप इसको स्क्रीन को एक्सटेंड कर सकते हो। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए, जैसे कि एरिया के अंदर मैं अभी और भी चूज कर ले रहा हूँ। आप एरिया के अंदर देख सकते हो और सारे बहुत सारे हैं। 720p के लिए चाहिए तो स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। देन आप और भी फॉर्मेट्स हैं, आप छोटे छोटे फॉर्मेट्स के अंदर आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे 160:20 ये फॉर्मेट। तो इतना छोटा स्क्रीन आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो इतने छोटे भी एरिया का। अगर जैसे सपोज कि मुझे ये मोबाइल का सिर्फ डिस्प्ले इतना फॉर्मेट मुझे रिकॉर्ड करना है, तो बस आप उतना ही फॉर्मेट यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाओगे। या फिर किसी एप्लीकेशन के बारे में रिकॉर्ड करना है तो आप उसी फॉर्मेट को रिकॉर्ड कर पाओगे। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे इसकी। और भी इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। चलिए मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो अब कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे जो REC का बटन है, वो बटन क्लिक करने से आपका जो एरिया है जो वो कैप्चर होना है, जो भी आप वीडियो प्ले करोगे या फिर जो भी आप फॉर्मेट प्ले करोगे वो कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे और भी फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉइंग का। अब जैसे कि आप वीडियो आपने स्टार्ट करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे ड्रॉ का भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर लेना हो कलर चूज कर सकते हो, टेक्स्ट आप यहाँ पे जो भी साइज लेना है, इरेजर दिया हुआ है, हर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो भी फॉर्मेट दिया हुआ, जो फॉर्मेट आपको चूज करना है यहाँ पे वो फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। कलर्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप टाइपिंग जिस वक्त अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उस वक्त अगर आपको किसी डिस्प्ले को, आपने देखा होगा कि हम कब जब भी किसी प्रोग्राम को शो कर रहे होते हैं या फिर वहां पे हम सर्कल का मार्क देकर के उसको इंडिकेट करते हैं, तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप यहाँ पे इंडिकेशन का भी साइन दिया हुआ है, तो इंडिकेशन का भी साइन आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं साइज है तो मैं साइज, चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो इंडिकेशन का साइन आप थोड़ा सा बड़ा करके आप ले सकते हो। तो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर है, जैसे ये मैंने ले लिया तो आप ये देख सकते हो कि ये फॉर्मेट जो एरो का ये साइन है थोड़ा सा बड़ा हो गया और थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया, इस फॉर्मेट के अंदर ले सकते हो। अब ये जो हमारा ये जो ऑप्शन है इसको मैं, अब ये जो हमारा ऑप्शन है, हमने यहां से जो प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। कहां से, जो भी हम कर्सर को जहां पे भी ड्रैग करके लेके जाएंगे वो जो है स्क्रीन वहां का रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो जूम इन का ऑप्शन है ये। सपोज ये एप्लीकेशन आप पूरे स्क्रीन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हो और ये जो हमारा जो लोगो है या फिर आप जो एप्लीकेशन है वो शो नहीं कर पा रहा है, इसका नाम जो है वो शो नहीं कर पा रहा है, तो हम जहां भी कर्सर लेके जाएंगे वो जूम इन करके उस एप्लीकेशन को शो करेगा। ये फॉर्मेट्स है। देन यहाँ पे क्लियर का फॉर्मेट है, हम सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें और फॉर्मेट दिया हुआ है कैमरे का, तो आप यहाँ पे कैमरा अपना खुद का ऑन कर सकते हो, जहां भी आपको अरेंज करना हो उसे वहां पे आप अरेंज कर सकते हो। तो ये कैमरे का भी अच्छा फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट दे रखा है, ऑडियो जो भी आपको कितने पे रखना है, कितना वॉल्यूम रखना है आपको, यहाँ रिकॉर्डिंग को क्या करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट दे रखा है। चलिए हम एक बार इसको रिकॉर्ड करके चेक कर लेते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एरिया को यहाँ पे फुल स्क्रीन चूज कर लेता हूँ। हमारा फुल स्क्रीन सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे पॉज पे क्लिक कर दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करोगे, जैसे मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ PC का, तो आप कुछ भी फॉर्मेट करो, ओपन करो, जो भी आपको फॉर्मेट ओपन करना है वो फॉर्मेट आप ओपन कर सकते हो। सपोज मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ इस पे,
फॉर्मेट आई थिंक वीडियो मुझे मिल नहीं रहा अभी। चलिए ये वीडियो मैं इसी वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं अपने टेक चैट का ही एक वीडियो प्ले कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मेट से अंदर मैंने वीडियो प्ले कर लिया। ये सारा वीडियो जो है कुछ भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियोस, गेम्स, मूवीज, कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। देन यहाँ पे हमें सिंपली ओपन करना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ ड्रॉइंग्स ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो सर्कल मार्क से अपना। तो ये सर्कल मार्क से आप इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ से इसका जो साइज है वो आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। अब यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से जो बोल्डनेस है उसको कम कर दिया है, यहाँ से ज़्यादा कर दिया, यहाँ से कम कर सकते हो। यहाँ से आप देखो चूज कर लो कोई भी फॉर्मेट, आपको जो भी फॉर्मेट चूज करना है उस फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हो। मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो ये फॉर्मेट आ गया। तो जो भी फॉर्मेट है आपको उसको इंडिकेशन के लिए, जो भी कुछ भी इंडिकेशन के लिए बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे टेक्स्ट भी दे रखा है, अगर आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर मुझे टेक्स्ट के अंदर लिखना है कुछ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। आप देख सकते हो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। जो भी आपको टाइप करना है वो आप इस फॉर्मेट के अंदर टाइप कर सकते हैं। इरेज करना है हमें इरेज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। फिर ऑनलाइन अगर ट्यूटोरियल का वीडियो आप बना रहे हो तो यहाँ से ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत फायदा है। यहाँ से और भी मार्क्स दिए हुए हैं पेंसिल्स वगैरह के, स्क्वायर का भी साइन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे भी टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो साइज शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 18 का कर देता हूँ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो जो भी आप टाइप करो तो इस फॉर्मेट के अंदर आप कर सकते हो। जूम इन का भी हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो आप जो भी आपको जूम करना है जहां भी आप कर्सर लेकर के जाओगे ये ऑटोमेटिक वो वहां पे जाएगा। अब इसका साइज मुझे छोटा करना है तो आप यहां से माइनस पे क्लिक करके छोटा कर सकते हो। प्लस पे क्लिक कर दिया हमने, माइनस पे क्लिक कर दिया तो वो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, जो भी आपको साइज। अब मुझे इसको कैप्चर करना है तो इस फॉर्मेट के अंदर आप इसको आप कैप्चर कर सकते हो। सिंपली यहाँ अंडू का भी बटन दे रखा है, क्लीन ऑल अंडू का भी बटन दे रखा है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम इसके अंदर है। देन आफ्टर हमको फाइनली क्या करना है, जब हमारा पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, तो ये भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ये भी आप, अगर हमारा जब पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए देन हमको यहाँ क्या करना है, पॉज पे बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पॉज कर देना है, यहाँ से स्टॉप कर देना है। वीडियो ऑटोमेटिक ये कंप्लीट हो गया है। इसको बंद कर देता हूँ मैं आपको। चलिए वीडियोस जो है हमारा हुआ है उसको ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा वीडियो बन गया है, तो इसको हम प्ले कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करोगे, जैसे मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ पीसी का, तो आप कुछ भी फॉर्मेट करो। अब आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करोगे, जैसे मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ पीसी का, तो आप कुछ भी फॉर्मेट करो, ओपन करो, जो भी आपको फॉर्मेट ओपन करना है वो फॉर्मेट आप ओपन कर सकते हो। सपोज मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ इस पे, कल मार्क्स आप इंडिकेट कर दिया है, फॉर्मेट को चूज कर सकते हो, लोकेशन के भी दे रखा है लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर्मेट के अंदर ये पेंसिल तो मैं कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमने जूम का जो ऑप्शन है, ये जूम का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, जूम का ऑप्शन। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इस ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, तो इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। इसका मैंने इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके तो आप इस फॉर्मेट के अंदर आप किसी भी लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो इस रिकॉर्डिंग के थ्रू।
बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं और भी बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं, बट इसको मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, एचडी क्वालिटी आती है, तो आप इस फॉर्मेट के अंदर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।